भाव मरम न जाने कोई रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन भेदी संगीत में राम कथा का जिस तरह से आयोजन किया गया है गोरेगांव पूर्व में, वहाँ पर अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग जो है कथा सुनने आ रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज्ञानचंद द्विवेदी द्वारा यहाँ पर कथा सुनाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के नगर सेवक तुलसीराम शिंदे जी। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे राम कथा को लेकर क्या कहना चाहेंगे। राम कथा मेरे गोरेगांव के एरिया के में श्री कृष्ण के नगर में, जहां श्री कृष्ण जे उनका नगर है, वहां पे मेरे उत्तर भारत के सभी लोग रहते हैं। और जिस जिधर राम जी का जन्म हुआ उस उधर से ज्ञानचंद महाराज इस लोगों को अपना ज्ञान, हमारे राम जी का चरित्र यहाँ पर बताने आए हैं। इस क्षेत्र के सभी लोग हैं, उत्तर प्रदेश परे हजारों किलोमीटर से यहाँ पर आए हैं, अपनी जन्मभूमि छोड़कर इस कर्म भूमि में अपने बाल बच्चों का उदार निर्वाह करने आए हैं। उनके माध्यम से हमको ही, जिस महाराष्ट्र में हम रहते हैं, महाराष्ट्रियन हैं, लेकिन उनके माध्यम से भी हमको हमारे राम जी की जो कथा है वो हमको पता चलती है। इसलिए हमको खुद को भाग्यवान मानते हैं कि हमारे भगवान राम जी, जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा हमको सुनने मिलती है। तुलसीराम जी, अगर बात की जाए तो आप बड़ी देर से कथा सुन रहे हैं, अगर बात की जाए तो राम, जैसे आपने खुद कहा कि आप महाराष्ट्र के रहवासी हैं, महाराष्ट्र में राम कथा को इतना महत्व से आप सुन रहे हैं, कैसा लगता है कि एक राम कथा सुनने में कितना आनंद आता है? बहुत। हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे पूर्वजों के काल से चला है, हमारे भगवान का कथा हम सुनने के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि राम जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, अयोध्या में हुआ है। हम उस जन्मभूमि को नतमस्तक होके आया हूँ। मैं 92 में जब हमारा वहाँ पे गया था, हमारा भगवान वहाँ पे है और उस भगवान की सेवा दर्शन इस महाराष्ट्र के लोगों को, उनका क्या कैसे क्या था, उन्होंने क्या क्या अपने समाज के लिए किया, वो हमको, हम महाराष्ट्रियन के लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कहा कि आप अयोध्या जाकर आए, नतमस्तक होकर आए, आज उसी जगह पर मंदिर और मस्जिद को लेकर अगर देखा जाए तो काफ़ी बवाल मचा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? न्याय प्रविष्ट है, उसका कमिटमेंट करना बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात तुलसीराम जी ने कही कि उत्तर भारतीय एकता मंच द्वारा यहाँ आयोजित राम कथा में और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कथा को लेकर, कथाएं बहुत होती हैं लेकिन इस जगह पर राम कथा हो रही है, जैसे तुलसीराम शिंदे जी ने कहा कि महाराष्ट्र में राम कथा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, उसी प्रकार से इस जिस जगह पर यह राम कथा हो रही है, आप थोड़े में ये भी जान लीजिए कि बहुत पुण्य जगह है। यहाँ पर साल में एक बार कम से कम रामलीला होती है, बहुत बड़ा विशाल का भंडारा बसंत पंचमी को होता है, भगवत कथा भी इसी जगह पर होती है। और आज भगवान के जन जन में फैलाने के लिए जो यूपी में पैदा हुए, लेकिन आज महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में, हर जगह जो है ये कथा चालू है, पूरे विश्व में, यहाँ ही नहीं पूरे विश्व में चालू है। आप तो खैर मालूम होना चाहिए, सऊदीया में एक बार रामचरितमानस का प्रोग्राम चालू था और वहाँ एक मौलवी जी ने पूछा रामचरितमानस से कि विप्रवेश धरि कत्यह गयो माथ नाई पूछते अस भयो, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री वेश फिरो बनवीरा। अगर वे विप्र रूप धर करके और उनके पास गए और खुद ही कह रहे हैं कि ओ तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री वेश फिरो बनवीरा,
माँ बहुत ही पवित्र कथाएं होती हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, राम कथा हो। जब आपको कहा जाता है कि एक गुरु ही सीधे भगवान के पास आपको ले जाता है, उत्तर भारतीय महासचिव, उत्तर भारतीय एकता मंच के महासचिव होने के नाते ये कार्यक्रम आप लोगों की तरफ से आयोजित किया गया, कब तक चलेगा ये प्रोग्राम? इस प्रोग्राम की रूपरेखा क्या है? प्रोग्राम की रूपरेखा 14 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस प्रोग्राम से अपने को पब्लिक में एक अच्छा संदेश दे जाना चाहिए। हाँ, लोगों को अच्छा विचार भावना से अयोध्या से आए व्यास जी को लाया गया है, जिससे कि लोग जागरूक हों। लोग जागरूक हों, आपको नहीं लगता महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में राम कथा से कितना भरोसा मिलेगा? टारगेट तो नहीं किया जा रहा है, ये तो सिर्फ एक वो है, टारगेट तो नहीं किया जा रहा है उत्तर भारतीयों को, लेकिन ये कथा से अपने को एक अलग संदेश जाएगा। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे उत्तर भारतीयों का? सर, उत्तर भारत के लोगों को कई लोग अपनी अपनी तरीके से यूज करते हैं, लेकिन मैं तो मेरे को भाग्यवान समझता हूँ जिस क्षेत्र में ये राम कथा हो रही है, मेरे क्षेत्र में तुलसी राम के क्षेत्र में मेरे राम की कथा हो रही है, और मेरे उत्तर भारतीयों ने तो मुझे इतना बड़ा ये दिया है, मैं मेरे ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है, तुलसी राम जी के वार्ड में राम कथा हो रही है, क्योंकि यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो तुलसी राम सिंधे जी हैं, और उनका साफ तौर से कहना है कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि मेरे वार्ड में राम की कथा हो रही है। और ऐसे में तमाम यहाँ के जो रहवासी हैं वो राम कथा का लाभ ले रहे हैं, राम कथा में, राम की कथा की। राम की अगर हम बात करें तो पुरुषोत्तम राम जो है कहे जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी कथा को लेकर यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि कथा सुनने के लिए बड़े दूर दराज से भी लोग आते हैं, और जो व्यास जी जो कथावाचक हैं वो अयोध्या से आए हुए हैं, लोगों को कथा सुना रहे हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़, मुंबई।